मोहनलाल सुखाड़िया, पूर्व सीएम राजस्थान, इनके नाम रिकॉर्ड है राजस्थान में सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम बने रहने का। सुखाड़िया पूरे 17 साल तक राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर रहे थे। दूसरे नंबर पर आते हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने पूरे 14 साल तक राजस्थान में सीएम की कुर्सी संभाली है और आगे भी संभावना है कि अशोक गहलोत कुर्सी पर बने रह सकते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत राजस्थान की जिस माली कम्युनिटी से आते हैं, वो इस कम्युनिटी से आने वाले इकलौते विधायक हैं। और सवाल ये उठता है कि राजस्थान, जहां पर इलेक्शन जीतने के लिए कास्ट एक बड़ा फैक्टर है, वहां अशोक गहलोत 14 साल तक सत्ता के शिखर पर कैसे बने रहे, और वो भी बीजेपी जैसी ताकतवर विपक्षी पार्टी और सचिन पायलट जैसे ताकतवर उत्तराधिकारी के होते हुए। तो चलिए बताते हैं आपको अशोक गहलोत की उन तीन आदतों के बारे में जिनके चलते वो राजनीति के रण में हमेशा विजयी रहे हैं। इन शॉर्ट, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको अशोक गहलोत का सीक्रेट मंत्र ऑफ सक्सेस। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। गहलोत की पहली खूबी है कि वो जानते हैं कि उन्हें कैसे हाईकमान का वफादार बने रहना है। जब भी अशोक गहलोत को पार्टी हाईकमान द्वारा कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जिससे वो खुश नहीं होते, तो वो अपने हाव भाव और काम से ऐसा कभी नहीं दिखाते कि उन्हें ये काम नहीं करना, बशर्ते वो ऐसी रणनीति अपनाते हैं जिससे मीडिया से लेकर आम जनता और गांधी परिवार को लगता है कि वो पूरे मन से हाईकमान के दिशा निर्देश फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गहलोत बड़ी चतुराई से पर्दे के पीछे पूरी रणनीति सेट करने में लग जाते हैं कि आखिर काम वही हो जो वो चाहते हैं। गहलोत कभी भी वाद विवाद में नहीं फंसते, वो तो बस बड़ी चतुराई से अपना काम पर्दे के पीछे से निकलवाना जानते हैं। गहलोत पूरी खबर रखते हैं कि उनके मंत्रियों से लेकर गांधी परिवार तक किसको क्या चाहिए और वक्त आने पर उसी रणनीति के तहत रिएक्ट करते हैं। गहलोत ऊपर से काफी शांत दिखते हैं, लेकिन वो अपने राइवल्स को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देते। 2018 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जब गहलोत ने हाईकमान के ऑर्डर पर पायलट को पीसीसी चीफ बनने दिया, लेकिन ऐन मौके पर उनके नीचे से सीएम की कुर्सी खींच ली। 2020 में भी इसी तरह गहलोत ने पायलट के पार्टी को दो फाड़ करने के प्लान को रोका, और अब 2022 में जब कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम चुना, तो गहलोत ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि पर्दे के पीछे ऐसी गेम सेट की कि पार्टी के 90 विधायक सचिन पायलट के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये है गहलोत का पहला गुण जो बाकी मुख्यमंत्रियों को सीखने की जरूरत है। गहलोत की दूसरी खूबी है उनकी गांधीवादी आइडियोलॉजी। गहलोत का खान पान काफी सिंपल है और शराब से वो दूर रहते हैं। 5-स्टार कल्चर और महंगी गाड़ियां उनकी विश लिस्ट में नहीं आती। गहलोत का अपना लाइफस्टाइल इतना सिंपल है कि उनके विधायक भी उनसे ज्यादा लेविश लाइफ जीते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वो जनता से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, जिसका फायदा उनको चुनावों में मिलता है। गहलोत की तीसरी खूबी ये है कि वो लेफ्ट एक्टिविस्ट के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाकर चलते हैं। उनकी ये अप्रोच तब भी कायम रहती है जब ऐसे एक्टिविस्ट उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। गहलोत की कोशिश रहती है कि वो ऐसे लोगों की बात सुने और वक्त आने पर उस पर अमल भी किया जाता है। यही कारण था जो देश में सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी एक्ट राजस्थान में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए लागू किया गया। यही नहीं, COVID-19 लॉकडाउन के दौरान उनकी सरकार ने प्रवासी मजदूरों और गरीबों की काफी मदद की, जिसके चलते उनकी उदारवादी लीडर की छवि भी बनी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार को कोविड के दौरान मारे गए लोगों का डेटा सही से ना दिखाने को लेकर फटकार भी पड़ चुकी है। तो ये है अशोक गहलोत की वो तीन खूबियां जिसने राजस्थान की राजनीति में उन्हें अजेय बनाया है। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। पहला, पार्टी हाईकमान से नाराजगी जाहिर ना होने दो। दूसरा, गांधीवादी रवैया। और तीसरा, सरकार का विरोध करने वालों की बातों पर ध्यान ना देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।